तो सिर्फ 284 रुपीज में आपको 3 पीस मिलेगा, आप यकीन नहीं मानेंगे। ड्रम स्टिक, बहुत दिन हुआ था ड्रम स्टिक नहीं खाया, तो ड्रम स्टिक बनाने जा रही हूँ। आलू को पहले कट कर लिया है, ड्रम स्टिक में इस तरह से लंबे लंबे आलू काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ड्रमस्टिक की भाजी आपको कैसे लगती है जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहले तो ड्रम स्टिक मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल भी ड्रम स्टिक जो है वो पसंद नहीं था। ये देख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। ज्यादा बड़े बड़े भी मत करिए, ज्यादा स्मॉल भी मत कट करिए। आज मैं एकदम डिफरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। और मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जब भी ड्रम स्टिक करे उसको पूरा मत कट करिए, उसको इस तरह से हाफ पार्ट में कट करिए और ऐसे खींच के निकालेंगे। देखिए ये जो इजीली निकल जाता है। मैं यहाँ पे राई ले रही हूँ, अदरक ले रही हूँ, जो है वो लहसुन ले रही हूँ मैं। देखिए राई अदरक, बस इसका ही पेस्ट बनाना है जो बहुत ज्यादा यम्मी बनेगा। कढ़ाई गर्म होते होते आपका मसाला भी पीस के रेडी हो जाए, तो मसाला अच्छे से पीसेगा आपका। और आलू थोड़ा फ्राई में टाइम जाते हैं, हल्का सा कलर के नीचे से आपको यहाँ पर ड्रम स्टिक डाल देना है। पीस गया, इसमें थोड़ा सा डालूंगी टमाटर, टमाटर डाल के इसको आपको अच्छे से पीसना है। यहाँ पे आप ड्रम स्टिक डाल दीजिए आप। तो मसाला जो है वो एकदम बारीक पीसना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे आप राई तो ही अच्छे से पीसेगा, वरना राई जो है वो अच्छे से पीसेगी नहीं। अगर राई अगर आपकी नहीं पीसती तो टमाटर या फिर आप उसमें चाहें तो ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि पूरा महीन जो पेस्ट हो जाए। सिंक मेरा थोड़ा साफ है, बर्तन धो के हो गए हैं, सिर्फ भाजी वाला जो बर्तन है कढ़ाई है वही मुझे धोना है अभी। तो जैसे आप देख सकते हैं हल्का हल्का ड्रम स्टिक ब्राउन हो चुका है। अगेन मैं तेल यूज करूँगी, थोड़ा तेल यूज करूँगी। मैं यहाँ पे जीरा, तेजपत्ता और सूखी मिर्च डाल रही हूँ, जल्दी ऐड किया हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करिए, अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे गैस एकदम स्लो रखिएगा, हल्दी से लाल मिर्च डाल देंगे तो इससे कलर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा पेस्ट पिसा था, मैं वो डाल दूँगी। तो कम से कम 2-3 मिनट तक आप अच्छे से भूज लीजिए। कल से धनिया पाउडर यूज़ करिए, मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। चम्मच के लगभग आप जीरा पाउडर यूज़ कर डाल दीजिए। ये वापस से आपको थोड़ा धीमी आँच ही रखिएगा, वरना मसाला जो है आपका जल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है नमक डाल दीजिए। यहाँ पे जो पेस्ट था उसमें फेंकिए, उसमें हल्का सा पानी डालकर इसी मिक्सचर में डाल दीजिए, जिससे आपका मसाला जो है अच्छे से वो पक जाए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टोन रख दिया तो काफी ज्यादा सुंदर लगा। तो ये ना मैंने फिश टैंक में लगाया था, बट फिश टैंक से निकाल दिया, बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पे धो के अच्छे से मैं यहाँ पे लगा दिया, सोच रही हूँ और भी ऐड करूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जो इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करूँ क्या स्टोन से, या फिर ये इतना ही अच्छा लग रहा है। देखिए ये मूंगफली लेके आया है, तो ये मूंगफली को कल मैं बॉईल करने वाली हूँ। आप किस तरह से कच्ची मूंगफली खाते जरूर बताना, इसके भी कितनी गंदी है। तो इसे मैं थोड़ा पानी में भिगो के रखूंगी, तो इससे क्या था मट्टी जो भी वो पूरा निकल जाएगी। और इसे मैं बॉईल करके खाती हूँ, आप किस तरह से खाते हैं बताइएगा। सेट का पेयर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेन की ये भी इसमें ऐसे हैंडल दिया है, प्लस लीक प्रूफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये मिल्टन का है, तो मिल्टन कंपनी आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है वो कितनी अच्छी ब्रांड है मिल्टन की। तो मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक डाल दिया है, मैंने ड्रम स्टिक और आलू उसमें मसाला डाल दिया है। इस तरह से आप भाजी को फ्राई करेंगे तो मसाला जो है बहुत अच्छे से भाजी में घुस जाता है, पानी डाल दीजिए ताकि भाजी जो है नीचे लगे नहीं। देखने में इतना अच्छा लगा, खाने में कितना टेस्टी हो गई है, खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है इसकी। मैं एकदम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। आपको कितना ग्रेवी चाहिए, सूखा चाहिए? मुझे मीडियम चाहिए, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं अच्छी लगती। चलिए देखते हैं अभी आदू क्या कर रहे हैं। ये देखिए आदू जो है पढ़ाई कर रहे हैं। आदू की हैंडराइटिंग देखिए, ये क्या है आदू, पढ़ के बताओ। वेरी गुड बॉय। देखो ये देखिए आदू की हैंडराइटिंग है, अभी उसको ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं स्कूल में, तो इस तरह से जो है खुद पढ़ के लिख लेता है। भाजी कितना हुआ, तो बस इतना ग्रेवी इनफ है मेरे लिए। मैं यहाँ पे गैस बंद कर दे रही हूँ, इतना ग्रेवी परफेक्ट है।
और यहाँ पे लास्ट में धनिया डालना है। ड्राइंग बनाओ और इसके पीछे के मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मेरे बनाया बाल हमेशा। आदू की ड्राइंग कितनी अच्छी दिख रहे हैं आप, काफी ज्यादा अच्छा ड्राइंग बनाता है वो। जाओ बनाओ। काफी ज्यादा अच्छा बनाया, तीखा बनाया और राई की खुशबू जो है काफी ज्यादा अच्छी भी आ रही है। यम्मी, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लाजवाब बना है भाजी।